बड़ी खबर संभल से, जहां पर कोहरे के चलते एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 12 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार कंटेनर और रोडवेज बस जिनके बीच में भिड़ंत हुई, हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये हादसा मुरादाबाद आगरा हाईवे के पास हुआ है। कोहरे के चलते जहां एक भीषण हादसा सामने आया और इस हादसे में अब तक 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आशंका ये कि 12 लोगों की मौत इसमें हो सकती है, क्योंकि बेहद गंभीर स्थिति घायलों की अभी बनी हुई है। तेज रफ्तार एक कंटेनर जो कि रोडवेज बस से टकरा गया, भिड़ंत हो गई दोनों की आमने सामने और ऐसे में हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं। तो मुरादाबाद आगरा हाईवे का यह मामला है। दरअसल कोहरे के चलते भीषण हादसा हुआ है, कंटेनर और रोडवेज बस के बीच में 8 लोगों की मौके पर मौत हुई है। तो वहीं अब भी मरने वालों का आंकड़ा, जिसका अनुमान की बढ़ सकता है, 25 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तो हादसे की बात की तस्वीरें आप देख सकते हैं, रोडवेज बस जो आगे से अगर देखें तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर जिससे रोडवेज बस की भिड़ंत हुई और उसी के बाद ये हादसा जिसमें 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। तो बेहद ही गंभीर स्थिति में जहां बस की हालत दिख रही है, तो वहीं इससे भी ज्यादा गंभीर जो स्थिति है अभी घायलों की बनी हुई है। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अनुमान अभी ये कि जिस तरह की स्थिति घायलों की बनी हुई है, उसके बाद मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, हादसे की बात की तस्वीरें, जहां मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, अधिकारी पहुंचे और कई स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद, जिन्होंने एक एक करके यहां से घायलों को बाहर निकाला। और अभिनव संभल से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिनव, अभी क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर मिल रही है, घायलों की क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, मैं आपको देखिए बता दूं, जो है ये एक भयानक जो है बड़ा जो सड़क हादसा हुआ, जहाँ जो है सरकारी रोडवेज और जो है एक टैंकर की जो है टक्कर हुई है, जिसमें जो रोडवेज सवार जो यात्री थे उसमें 8 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। लेकिन एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जो है फिलहाल वहां पर जो है जताई जा रही है। लेकिन हादसे के बाद जो है SP चक्रेश मिश्रा जो है रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू कर दिया है। जो भी घायल है, जो क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा जो है घायल बताए जा रहे हैं, उनको जो है फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है, वहां पर उनको जो है इलाज कराया जा रहा है उनका जो है। और इसी के साथ जो भी उपचार देने की जो बात है हायर सेंटर में, उनको फिलहाल वहां पर जो रेफर किया जा रहा है। अगर इस पूरे हादसे को लेकर बात करें अभिनव, तो क्या कहना है कि किस की गलती के चलते ये हादसा हुआ है और पुलिस प्रशासन क्या कह रही है कि जो घायलों की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है इसमें? बिल्कुल, अगर मौत के आंकड़ों की अगर जो बात की जाए तो बिल्कुल मौत का आंकड़ा अभी जो बढ़ सकता है। हमने अभी बिल्कुल बताया था कि 8 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है और जिस तरह से यात्री बस में जो सवार थे उसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग यात्रियों की मौत की आशंका जो जताई जा रही है। जी चलिए, धन्यवाद आपका अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आशंका ये कि आंकड़ों में, मरने वालों के आंकड़ों में इजाफा हो सकता है, 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई, लेकिन घायलों की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, जहां स्थिति को देखा जा रहा है और उस पर फिर कार्रवाई आगे की जाएगी। कोहरे की वजह से एक टैंकर और एक रोडवेज बस, इन दोनों में आपस में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें अभी तक हम लोगों का राहत कार्य जो चल रहा है उसमें करीब 7 लोगों की मृत्यु की आशंका लग रही है और इसके साथ में 25 लोग घायल हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। राहत कार्य लगातार चल रहा है, क्योंकि ये गैस का टैंकर है इसलिए आसपास से भीड़ को हटाया गया है और इसमें मैं और DM साहब हम लोग मौके पर हैं और इसके साथ में ये अभी कुछ लोग हैं जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकाले जाने का कार्य चल रहा है।